आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान शीतला पिजन छबड़ा में आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो है, सेल्स के कबूतर हैं 17, उनका शौक करवाएंगे। ये नर है, ये इसके डाई लग रही है, हल्के हल्के ये काले छींटेदार इसके पर हैं। जैसे ये खोपड़े पे इसके पर दिख रहे हैं, वैसे इसकी गर्दन में हल्के छींटे वाले पर हैं, लेकिन ये इसके डाई लगा रखी है। जहाँ से मैं लाया हूँ वहाँ पर डाई लगा के उन्होंने रख रखा था। सफ़ेद बदन का हल्का सा बाजरा कबूतर है ये इसके बाजू के पर हैं, बंधे हुए हैं। बिल्कुल छोटी वीडियो बताएंगे बनाएंगे, जो मेन मेन बातें हैं कबूतरों में वो दिखा देंगे। ये लीजिए, ये इसके पंजे खुश्क और हल्के जामुनी पन पे पंजे हैं, नाखून काले हैं। ये लीजिए दोस्तों अगला कबूतर, ये मुझे नर मालूम होता है, लेकिन शायद अगर ये मादी निकल जाए तो कोई बात नहीं, मुझे नर लगता है क्योंकि गुटकता भी है। ये भी परीन है, ये इसकी दुम। और जितने भी कबूतर दिखाए जाएंगे दोस्तों, ये सारे एक साथ देना है। ये इसके नाखून पंजे देखिए, वीडियो में अच्छी तरह कबूतर को देख लीजिए, और जिस भाई को भी पसंद आए वो कॉल कीजिए, नंबर दिए जाएंगे आपको। ये कंफर्म नर है, आँख पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि आपको देख के समझने में आसानी हो। खोपड़ी देखिए इसकी, ये इस तरह से कबूतर है पूरा, बाजू के पर इसके कटे हुए हैं, कुछ आ रहे हैं दोनों तरफ से। ये इसकी दुम है और ये नाखून पंजे। ये भी नर है, आँखों का शौक कीजिए करीब से। कोशिश ये रहती है कि कबूतर की सारी बातें मैं बता दूं, लेकिन लंबे वीडियो बनाने में होता यह है कि दोस्त देख नहीं पाते और वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती। ये इसकी आँखें हैं, ये इसके पर हैं। मान जाओ मान जाओ, ताकत दिखा रहा साहब। ये देखिए इसकी दुम, और ये पंजे नाखून, इस तरह से ही कबूतर है। और उन्हीं में ये एक कबूतर है, बहुत बेहतरीन कबूतर लगा मुझे। अगर मेरे पास गुंजाइश होती रखने की, खाने अगर खाली होते तो मैं रखता इसे, लेकिन कहाँ तक अच्छी चीज़ अपने पास रखेंगे। अपने भाइयों को भी अच्छी चीज़ देना चाहिए, इसलिए इसको मैंने सेल में लगा दिया। ये लीजिए देखिए कबूतर, इसकी रंगत साइज़ बदन बहुत बेहतरीन कबूतर है। ये देखिए इसके पर बगल, और ये दुम देखिए, साइज़ बड़ा होने के बाद इसकी दुम देखिए आप। बड़े साइज़ का कबूतर है, लेकिन दुम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये इसके पंजे नाखून, और ये इसका पूरा वजूद, ये इसकी आँख इधर से। एक कबूतर ये है, पर कटा हुआ है ये, इसकी दुम। और ये इसके पंजे और नाखून, पैर पंजे नाखून सब कुछ। एक नर ये है, ये भी पर कटा हुआ है,
और दोस्तों ये सारे एक साथ देना है, जिस किसी भाई को भी पसंद हो वो ले सकते हैं। और डिलीवरी वाली बात ये है कि जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक कर देंगे, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन है हमारे यहाँ से वहाँ तक कर देंगे, ईजीली जहाँ तक पहुँच जाएगा वहाँ तक, वरना आपको आना होगा लेने के लिए। ये लीजिए दोस्तों, ये माधिन है, इसकी आंखों का शौक कीजिए आप। ये इसकी रंगत है, छोटे वजूद की कबूतरी है, परीन है, पर बंधे हुए हैं। और ये इसकी दुम है, ये इसके पंजे नाखून, इनको मैं छोड़ के भी दिखाऊंगा आपको, ताकि इनकी चाल ढाल का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। ये लीजिए एक और मादिन, अंतरी मैंने वजूद की मादिन है। और ये इसकी आँख, चोंच, खोपड़ी, सर, ये इसके पर बाजू के, और ये इसकी दुम देखिए आप, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। एक पत्ता दुम कहा जाता है ना, वही है, बिना सपोर्ट के बिल्कुल बंद दुम। और ये पंजे नाखून, ये लीजिए दोस्तों, ये भी नर की तरह गुटकता है और नर ही मालूम होता है मुझे। मैं तो इसे नर समझ के पोस्ट कर रहा हूँ। ये इसके बाजू के पर हैं, अभी नए आ रहे हैं, उखाल रखे थे तो नए आ रहे हैं। ये इधर से भी आ रहे हैं, पूरा दिखाता हूँ मैं कबूतर के अंदर जो भी बात है। ये इसकी दुम है, और ये इसके पंजे हैं। इसका एक नाखून टूट गया था, कौन सा वाला, ये वाला, ये नाखून टूट गया था इसका, हल्का सा नाखून बचा है, बाकी टूट के जो ज़ख्म हो गया था ना, तो वो वहीं पर ही खा लगा इसके, बाकी चलने में, फिरने में, उड़ने में कोई कसर नहीं है इसमें। उड़ाने से मतलब ये है कि मैंने इसको पिंजरे में छोड़ रखा है, तो ये उड़ के ऊपर नीचे बैठता है, बाहर छोड़ के आसमान में नहीं उड़ाया मैंने इन कबूतरों को, क्योंकि ये सेल वाले हैं। ये छापदार मादिन है, वो ये पुरानी कबूतरी है, पतले बदन की मादिन है, बिल्कुल पतले बदन की, ये पुरानी मादिन है, इसमें वज़न बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के वज़न की कबूतरी है ये, और ये बिल्कुल मुलायम बदन की मादिन है। तो दोस्तों ये सारे कबूतर एक साथ देना है, ये इसकी दुम है। जिस भाई को भी पसंद आए वो कॉल करें, छपड़ा राजस्थान, इमरान खान। इनमें से बीमार एक भी नहीं है, बस ये सिर्फ पुरानी मादिन एक है। लीजिए दोस्तों, ये भी एक और मादिन है, इसकी आँख, चोंच, खोपड़ी, रंगत करकटी है। दो तीन कबूतर पर कटे हुए हैं, बाकी सभी परीन हैं। 17 कबूतर हैं। लीजिए दोस्तों, एक और मादिन आपकी खिदमत में हाजिर है, ये भी सेल के लिए है। इसमें ये जो पर हैं लाल हैं, लाल काले शेड में जो पर आते हैं छापदार, वो वाले पर हैं ये। इसकी दुम, दोस्तों पहले वीडियो को पूरा देखें फिर कॉल करें। कुछ भाई वीडियो तो पूरा देखते नहीं है और बीच में से कॉल लगा लेते हैं, भाई कितने कबूतर हैं, कौन कौन से हैं, तो मेहरबानी करके पूरी वीडियो को देखें आप, फिर कॉल लगाएं।
लीजिए दोस्तों, ये भी मालिन है, इसकी आँख कलर खोपड़ी। चोंच और ये बाजू के पर देखिए, ये दुम, छोटी सी दुम की मादी ने, ये इसके पंजे। उड़ान की वजह से इसके भी डाई लगी हुई है, उड़ाना शुरू किया होगा उन्होंने जहाँ से मैं लाया हूँ। ये शायद हो सकता है उड़ा के देखा हो, आंखें लाल हो रही हैं इसकी तपने की वजह से। लीजिए दोस्तों, ये भी मालिन है, इसकी भी आंखों का आप शौक कीजिए। जो रंगत है वो ये है, अब आप इसको क्या बोलते हैं। जितने भी कबूतर मैंने दिखाए आप अपने हिसाब से देखिए और फैसला कीजिए कबूतर लेना है या नहीं लेना। जो सीरियसली बायर्स हैं वही कॉल करें। ये इसके बाजू के पर हैं, ये इधर से बंधे हुए हैं, एक तरफ का खोल लिया इसने बाजू के पर। ये इसकी दुम और ये पंजे नाखून। मेरे पास ये कबूतर आए हुए दोस्तों 5-6 दिन हो गए, मैं कबूतर लाता हूँ 4-5 दिन रखता हूँ, पहले उनको चेक करता हूँ उनकी तंदुरुस्ती चाल ढाल, फिर सेल के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये हेल्दी हैं या नहीं है। और कबूतर लाने के बाद सबसे पहले मैं उनकी डिवॉर्मिंग करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि इनकी डिवॉर्मिंग करना चाहिए तो, ताकि किसी के भी पास मेरी चीज़ जाए तो हेल्दी जाए। ये एक पट्टी है, इसके बाजू के पर आ रहे हैं अभी दोनों तरफ से। सिलेटी परों में है, सिलेटी इसकी दुम है और बाजू के पर भी इसके सिलेटी हैं और ये इस तरह से दिखती है। लीजिए दोस्तों, ये आज की आखिरी मादिन है, जितने भी कबूतर में हैं उसमें से सबसे लास्ट है और ये मादिन है और ये भी सिलेटी परों में है। बाजू के पर बंधे हुए हैं और ये दुम। और ये सारे कबूतर मेरे पास मेरे घर पे मौजूद हैं, जिस किसी भाई को भी चाहिए वो कॉल करें। अब मैं इन कबूतरों को छोड़ के दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये कबूतर मैं छोड़ के दिखा रहा हूँ, आपके सामने निकल रहे हैं, इनकी चाल ढाल रंगत हाल हुलिया सब आपके सामने हैं। तो जो भी भाई लेना चाहते हैं वो कॉल करें। कबूतर मैंने पूरे डिटेल में आपको दिखा दिए हैं, ये देखिए इनकी स्टैंडिंग चाल ढाल। ये सिर्फ पुरानी एक कबूतरी है जो खुजारी है, उम्मीद करता हूँ कबूतर और वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अपने कबूतरों का भी ख्याल रखिएगा। एक नई आने वाली वीडियो के साथ मैं इमरान खान आपसे अभी विदा लेता हूँ।